बात है कि एक पंत और तीन काज बोलते हैं ना कहावत, उस तरीके का काम जो है दिलशाद भाई और फिरोज भाई और हमारे उस्मान भाई ने मिलकर के किया है, तो एक अच्छा काम है। मीडिया का भी अपना रोल है समाज में और लोगों को आईना दिखाने का काम मीडिया करता है। उसके अलावा दिलशाद भाई का जन्मदिन और प्लस ये कार्यालय का उद्घाटन, यहाँ से लोगों की सेवा का काम होगा, लोगों की जो परेशानियाँ हैं उसको हल करने का काम यहाँ से होगा, ऐसी उम्मीद है। मैं सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस कार्यालय के माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो है लोगों की भलाई का काम आने वाले दिनों में करेंगे और मुंबई की जनता इसका फ़ायदा उठाएगी। तो ठीक है, ऐसा था कि हमने सोचा कि भाई हमारे भाई का बर्थडे भी है, अच्छा भाई दिलशाद भाई का बर्थडे भी हो जाए और साथ साथ में हमारी मुंबई मुस्लिम सेवा संघ जो एक हमारी एन जी ओ मुस्लिम के अंदर काम कर रही है समाज के लिए, तो उसका भी ओपनिंग हो जाए ऑफिस की। साथ में हमारे समय राष्ट्रीय करके जो यूट्यूब चैनल है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके अंदर उसकी भी ओपनिंग हो, मुंबई हलचल प्रेम मीडिया है उसकी भी ओपनिंग हो, और इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस और अच्छे काम के लिए मीडिया से बेहतर रास्ता कोई नहीं है जो आप जल्दी से जल्दी आदमी को अवेयरनेस दे सकते हो। तो उस तरह से हमने ये दिन सेलेक्ट किया और आज ये ऑफिस को ओपन किया। यही नौ सब हो जाए नहीं, सलामत भाई का अच्छा काम था इसलिए तो हमने सलामत भाई के साथ जुड़े और सलामत भाई को एक तो प्लेटफॉर्म हमने भी दिया है और साथ में सलामत भाई के साथ हम पूरी तरह से अपनी ताकत उनके साथ लगाएंगे और जो कमियाँ वो चैनल में किसी तरह से होगी बात उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुस्लिम सेवा संघ ऑलरेडी 2 साल हो गए हमें इस्टेब्लिश होके और ये सेकेंड एनिवर्सरी हमारी सेप्टेम्बर में हुई है और आप नेट के ऊपर जाओगे तो आप 3.5 लाख आदमी हमारे ऑलरेडी मेम्बर्स हैं मुस्लिम सेवा संघ में और महाराष्ट्र भर में हमारा काम अच्छी पैमाने पर चल रहा है। उसके अलावा यूपी में भी हमारे नदीम कुरैशी करके हैं वहाँ के अध्यक्ष, वो भी यूपी में काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी आप नेट के ऊपर जाओगे आप यूपी पे जाओगे तो आप देखोगे और हमारी साइट भी है, हमारे उसमें कई तरीके के हमने सॉफ्टवेयर उसमें डाले हैं, हमारा डोमेन खुद का डोमेन लिया हुआ, ये इस तरह से हम लोगों ने काम अच्छा कर किया है, जो करना चाहिए उतना अब तक किया और भी हम आगे करेंगे। किससे और मसले ये जब तक दुनिया है जब तक चलते रहेंगे और किससे भी और मसले भी खत्म होंगे नहीं। आज ख़त्म करने के लिए ऐसे में बीजेपी से भी रिलेटेड हूँ तो आज बीजेपी ने जो काम करके दिया है कई ऐसे काम है जो अगर उसको सही तरीके से आप समझोगे तो वो काम बहुत अच्छे बेहतर तरीके से हुए हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं, हम आगे आने तैयार नहीं, हम कोई कदम एक कदम हम बढ़ाएंगे तो 2 कदम दूसरे ही बढ़ेंगे, तो वो चीज़ और कहीं ना कहीं हमारी भी कमियाँ हैं जो हमको अवेयरनेस उसी चीज़ों का लाना है कि हमारी कौम के अंदर वो अवेयरनेस आना चाहिए कि अगर कोई आदमी हमारा साथ दे रहा है तो उसको पूरी तरह से हम भी साथ दें, फिर भले वो अगर हमारा काम नहीं आता है तो हम 5 साल बाद तो हमारे हाथ में मौका है ना, लेकिन हम वो काम ही नहीं करना चाहते कि हम आगे नहीं बढ़ते, हम मदद ही नहीं करने खड़े होते, हम किसी के साथ कंधे से कंधा लगाने नहीं चाहते, हम वही पुरानी जो माहौल है उसी के अंदर हम उलझे हुए, उस माहौल से हम बाहर निकलना नहीं चाहते। उसके पर हम लोग इधर आए और इनकी ऑफिस की भी ओपनिंग है, अल्लाह ताला इनकी उम्र में भी तरक्की दे और इनके काम काज में भी तरक्की दे और इनके जितने साथी आज देख सकते हैं कि इनके साथ में जो तादाद जुड़ी हुई है और ये जो लोगों का काम कर रहे बिना कुछ देखे आगे पीछे, इनका पूरा टाइम मैं देखता हूँ कि जो न्यूज़ में जाता है और लोगों की खिदमत में जाता है, अल्लाह ताला इनका अजर इनको देवे और हम सब इनके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट दिलशाद भाई, मुबारक आपको। जो टीम जो साथ में जुड़ी हुई है मुस्लिम सेवा संघ की और काफ़ी जो काम हम लोग ने देखे जो ये लोग कर रहे हैं जिसमें फिरोज़ भाई है, उस्मान भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक स्ट्रॉन्ग पिलर है मुस्लिम सेवा संघ के, और अब देखिए अभिजीत भाई भी इधर आए जिनके साथ में पूरी यूनिट लगी हुई है, तो एक ताकत देख सकते हो आप कि कितनी ताकत यहाँ जुड़ी हुई है और जिससे कितना काम खाली कौम का नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी का काम हो सकता है, और ये काम के लिए मैं भी उनको मुबारकबाद देता हूँ जो भी टीम यहाँ साथ में है, और एक आश्वासन भी देता हूँ कि हम लोग सब इनके साथ में जुड़ के पूरी सोसाइटी का काम करेंगे। दिलशाद भाई मुंबई हलचल अखबार के एडिटर हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ उनकी जन्मदिन पर और निश्चित तौर पर आज उन्होंने उनके ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है। मुस्लिम सेवा संघ और उनको मुस्लिम सेवा संघ का पूरा परिवार और मुस्लिम कम्युनिटी के ब्रांड एम्बेसडर सन्मान्य सोहेल खनवानी जी यहाँ पर है, उनके हाथों से आज ये ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। मुझे लगता है कि उसमें ही दिलशाद भाई ने
जो लोग उनके साथ में आज जुड़े हुए हैं, मेरा छोटा भाई फिरोज जो मुस्लिम सेवा संघ का अध्यक्ष है, हमारे परम मित्र उस्मान भाई और हमारा पूरा ये जो ये एक परिवार है। मैं समझता हूँ कि दिलशाद जी बहुत बहुत कामयाब चुने, मैं और मेरे साथ में जुड़े हुए 7-7.5 लाख वर्कर्स उनकी सबकी शुभकामनाएं दिलशाद भाई को देता हूँ। फिर एक बार उनको मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे और उनके जो जो सपने हैं वो भगवान करे पूरे करे। आमीन आमीन। अभी सब ये बर्थडे का तो एक बहाना रहता है, हम लोग तो सब ऐसे ही मिलने के लिए होता है सेलिब्रेशन। और आज हम ऑफिस की ओपनिंग भी थी जिसमें हमारे मुस्लिम सेवा संघ का कार्यालय है, मुंबई अंचल है, सारा समय न्यूज़ का है और हमारे सभी पार्टनर है जितने भी, सब खुशी से करके अच्छे से करें। तो आज ये गेट टुगेदर होती मिल जाती इस बहाने यही बाहर करते तो आज ऑफिस की ओपनिंग थी तो अपने इधर ही सेलिब्रेशन कर लिया। निश्चित तौर पर अभी IPTV का दौर आने वाला है और कुछ दिनों में बड़े बड़े TV चैनल्स इतने हो गए और ये जो छोटे छोटे वेब न्यूज़ चैनल्स जो अभी डेवलप हो रहे हैं, लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है कि अगर मेरा व्यक्तिगत फंक्शन हो तो मेरे 50 वेब चैनल्स के दोस्त आते हैं और वो उसको प्रमोशन देते हैं। और मुझे लगता है कि एक बड़ा राष्ट्रीय चैनल जितनी पब्लिसिटी नहीं दे पाता उतने ये छोटे छोटे वेब चैनल्स देते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये वेब चैनल्स ही एक बहुत बड़ा भविष्य है। मैं लगभग 22 साल से न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में हूँ, मुंबई से मेरे खुद के 4 अखबार निकलते हैं और अखबार चलाना, वेब न्यूज़ चलाना अपने आप में एक कामयाबी है। दिलशाद जी अनेक वर्षों से अपना अखबार चलाते आ रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। और जब आदमी कामयाबी की तरफ चलता है तो पैरेलली एक निगेटिव गवर्नेंस हमेशा उनके खिलाफ होती है। तो कोई भी सक्सेसफुल आदमी होगा तो उसके उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि दिलशाद भाई इज अपकमिंग एडिटर, अपकमिंग बिजनेसमैन, आई गिव हिम फुल सपोर्ट। और सुख दुख में हम सभी लोग परिवार साथ में रहता है, आज खुशी है सब साथ में है, हमेशा ही साथ में रहेंगे। दिलशाद भाई मेरे भाई है और ये एक छोटी पार्टी है, हमने एक पार्टी पनवेल में रखी है जो हम 19 तारीख को दिलशाद भाई का बर्थडे और मेरा बर्थडे साथ में वो मनाएंगे। ये तो हमारा ऐसा है कि यहाँ के जो लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते उन लोगों के लिए गेट टुगेदर किया है, बट एक्चुअल बर्थडे अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैंने पूल पार्टी रखा है, सनडाउनर पार्टी, खूब धमाल करो, खूब मजा करो। क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते थे, वो हम लोग सोशल काम कर रहे हैं, जैसे दिलशाद भाई की बात करो, उस्मान भाई की बात करो, आप मेरी बात करो, मैं स्पोर्ट्स में लगा रहता हूँ हर वक्त, जब भी देखो हम स्पोर्ट्स के लिए काम, ये काम, पर्सनल खुद के लिए क्या करेंगे। तो मैंने पर्सनल के लिए ये किया है कि 19 फेब को हम लोग सिर्फ पर्सनल करेंगे। उस्मान भाई तो मेरे साथ जुड़े हुए, शुभकामनाएं नहीं बोलनी है, आप सबको ये बोलना है कि आप लोग सब मिलके क्या कर रहे हो। यस बिल्कुल, ऑल वेलकम, सब दोस्त आओ। नहीं इंशाल्लाह, और ये हमारा देखो एक अच्छा कदम है कि यहाँ पर हम लोग अंधेरी के अंदर अपनी एक ऑफिस स्टार्ट किए हैं, सोशल काम तो कर ही रहे और मुस्लिम सेवा संघ के साथ में फिरोज भाई है, उस्मान भाई है, ये काम तो माशाल्लाह इतना बेहतरीन कर रहे हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। जब हम लोग और नज़दीक आएंगे और लोगों के करीब आएंगे तो और ज़्यादा काम कर सकेंगे। अब ऑफिस यहाँ खुल गई है इसका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देंगे। सर ऑफिशियल में और एक ऑफिस खुली है समय राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल सलामत के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई ये तो मेरे भाई माशाल्लाह, इनके लिए क्या बोलना है कि ऐसा है कि अल्लाह इनको और तरक्की दे और ये चैनल जो हमारा समय राष्ट्रीय समय चैनल है ये दिन दुगनी और 4 चौगनी तरक्की पे जाए, मेरी हमेशा सपोर्ट है। क्योंकि वो चैनल, ये चैनल है ना, वो हकीकत की बात करते हैं। मैं हमेशा उनसे मिलता हूँ तो मुझे एक ही बात बोलते, रियाज भाई मुझे एक चैनल में एक प्रोग्राम चालू करना है वो स्पोर्ट्स का है, मैंने कोई दूसरे चैनल में ये बात नहीं सुनी जो उनके मुँह से सुनी। मतलब उनको भी मोहब्बत है कि कहाँ जो अपने कंट्री में एक बात दबी हुई है उसको उठाना है। वो दबी हुई क्या है, देखो एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ गए हैं, बिजनेस में बहुत बढ़ गए, पॉलिटिक्स में बहुत, स्पोर्ट्स में हम लोग अभी बहुत आगे नहीं बढ़े, वो आवाज़ उठाना है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि सब मिलके ये आवाज़ उठाए, जैसे बहरा भाई ने समय चैनल के लिए वक्त निकाला है वैसे सब थोड़ा थोड़ा टाइम दे और स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाए।
हम पहुँच जाते हैं, हर अच्छी न्यूज़ को कवर करते हैं और अल्लाह ताला हमसे ये दुआ है कि हमारे दिलशाद भाई को अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे, उनकी उम्र दराज करे और इसी तरह जिस तरीके से लोगों का काम कर रहे हैं इसी तरह वो लोगों का काम करते जाएं। हम हर तरीके से उनके साथ हैं। और रही बात ये ऑफिस की ओपनिंग की, तो माशाल्लाह से ये लोग ने जो ऑफिस ओपनिंग आज किए हैं, इन लोगों का जो काम है माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि उस्मान भाई, दिलशाद भाई, फिरोज भाई, ये लोग जो मुस्लिम सेवा संघ के थ्रू जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह हर तरफ इनके कामों की चर्चा है। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हर तरीके से आगे बढ़ाए और मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से जो इनकी मदद होगी मैं इंशाल्लाह हमेशा करूँगा। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। दिलशाद भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं शिव वातुक सेना का महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हूँ, साजिद सुपारी वाला, और मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। और दिलशाद भाई के लिए मैं यही विश करता हूँ कि जिस तरह वो जिंदा दिल है और जिस तरह इतने लोग यहाँ आए हुए हैं, ये इनकी जिंदगी जिंदा दिली का प्रूफ है और इनकी मोहब्बत है सब जगहों पे, इनकी जो जान पहचान है वो इनके मुबारकबाद देता हूँ इनके जन्मदिन पर कि आज हम लोग यहाँ पर उनकी खुशियाँ मनाने के लिए जो यहाँ पर कार्यक्रम है, जो सेलिब्रेशन है, उसमें शामिल होने के लिए मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया। सर, समय राशन मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे सब भाइयों को तरक्की दे और ख़ास करके दिलशाद भाई के बर्थडे पर आज सलामत भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि ये जो ऑफिस की ओपनिंग है दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो और समय राष्ट्रीय न्यूज़ घर घर पहुँचे और अच्छी न्यूज़ दें और पॉजिटिव न्यूज़ दें और लोगों की मदद करें, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसको इन्हांस करें, हाईलाइट करें, इस तरह लोगों की मदद करें, कौम और समाज की और सोसाइटी की मदद हो। सेम शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो मैंने सामान्य राष्ट्रीय के लिए दिया। हमारे दिलशाद भाई का मुंबई हलचल भी आगे अच्छा काम करता ही आ रहा है और काफ़ी अच्छा काम करते रहेंगे, ये मेरी उम्मीद है और मेरी गुजारिश है और दुआ भी है उनके लिए कि इंशाल्लाह अल्लाह उनको कामयाब करे। और रही बात उस्मान भाई की, ये तो मेरे भाई हैं और इन्होंने जो काम चुना है ये एक ऐसा काम है कि वाकई लोगों की मदद कर रहे हैं, कौम की मदद कर रहे हैं एक किस्म से। और हर मुसलमान को चीज़ समझना चाहिए कि उस्मान भाई अब उनको एक ऐसे रास्ते पे लेकर जा रहे हैं कि जिससे जुड़ के हमारी कौम अपना फ़ायदा, अपना मुस्तकबिल अपने बच्चों का तय कर सकती है। ये बच्चों को लड़ाई झगड़े से हटा के उनको रोज़गार के लिए, उनको पढ़ाई लिखाई की तरफ लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह इनको इसका अजर देगा। ये जो आज मेहनत कर रहे हैं, आज अपनी ऑफिस छोटी है और लोग ऐसे दिख रहे हैं, मगर इंशाल्लाह ये तादाद देखेंगे आप कुछ सालों में लाखों के बराबर। और फिरोज़ भाई भी माशाल्लाह से जिन्होंने उस्मान भाई को साथ में लिया, मैं दोनों भाइयों को मुबारकबाद दूंगा और दुआ करूंगा अल्लाह से कि अल्लाह इनको इनकी चीज़ में कामयाब करे। इसके अलावा समय राष्ट्रीय बस एक यही दिल से दुआ है कि इंशाल्लाह वो लोग भी अच्छे से काम करें और सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लेके आएँ और जो लोगों की तकलीफ है वो हर तकलीफ को तमाम लोगों के सामने लेके आएँ और उनकी परेशानियों को हल कराने की कोशिश करें, क्या गवर्नमेंट लेवल पे हो या दूसरे लेवल पर। उस्मान भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे, लोगों की मदद करते हैं समाज में, उस्मान भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? उस्मान भाई ही कर सकते हैं, इतनी मेहनत इतना काम हमसे तो नहीं हो और अपना सब कुछ आराम की ज़िंदगी छोड़ के ये इंसान जितनी मेहनत कर रहा है और वाकई अपने दिल से अपना जान माल लगा के ये जो कौम के लिए खिदमत कर रहा है अल्लाह इसको अजर दे। दिलशाद भाई को सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे युवा प्रतिष्ठान एनजीओ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई हलचल पेपर एक ऐसा पेपर है जो पूरी अन्याय जहाँ जहाँ होता है वहाँ आवाज़ उनकी हमेशा रहती है और हमेशा से एक सतर्क पत्रकार रह चुके हैं वो। मुस्लिम सेवा संघ अभी काफ़ी अच्छे तरीके से अभी काम कर रहे हैं और नेटवर्किंग कर रहे हैं वो लोग बहुत अच्छा। और जिस तरीके का आज देश में माहौल है और दलित और मुस्लिमों के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर जिस तरीके से हल्ले हो रहे तो काफ़ी ज़रूरी है, ऐसी यूनिटी करना बहुत ज़रूरी है और डेमोक्रेटिक तरीके से आप वो कर रहे हो, इसके लिए आपको भी शुभकामनाएं मुस्लिम लीग को और राष्ट्रीय समय को। सबसे खुशी की बात यह है कि मीडिया एक बड़ी ताकत है और आज उनके नई ऑफिस के इस इनॉग्रेशन पर जब भी वो यहाँ सारे लोग आए हैं तो मैं सबको बधाई देता हूँ
और मेरी जो ख्वाहिश है कि मीडिया हमेशा ताकतवर रहे, क्योंकि बगैर इसके अब ये जो समाज है वो चलता नहीं है। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया कि एक बड़ा बढ़िया ऑफिस बनाया जहां अपने साथियों के साथ वो अच्छे से काम कर सकेंगे और समाज को एक नई दिशा दे सकेंगे। इसके अलावा समय राष्ट्रीय न्यूज़ का ऑफिस का ओपनिंग भी है और मुस्लिम सेवा संघ के ऑफिस का, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे और मेरे लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ मुस्लिम सेवा संघ ने इधर पिछले एक सालों से काफ़ी बेहतर काम किया है और ये एक अच्छी बात है कि वो सभी लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के बारे में तो बिल्कुल बढ़िया खबरें रोज़ जो है हम लोगों को मिल जा रही हैं सोशल मीडिया पे, और ये एक नया दौर आया है मीडिया का कि अब लोग चैनलों पर जाना इतना देर तक बैठना पसंद नहीं करते, बल्कि सोशल मीडिया की खबरों से और यूट्यूब चैनल से जो न्यूज़ मिल जाती हैं वो काफ़ी बढ़िया होती है, क्योंकि वो जो खबरें आती हैं वो बनावट नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है कि आज आदमी रास्ते में जा रहा है, उसके पास स्मार्टफोन है, बैठकर अपनी न्यूज़ को देख लेता है, और इससे एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि लोगों का अपना समय भी बच रहा है और जो उसके मन में है जिस चीज़ों को जानना चाहता है वो अच्छे तरीके से जानता है। समय न्यूज़ चैनल भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सेवा संघ तो हमारे बड़े भाई चला रहे हैं और हमको चाचा कहते हैं, और उनकी शाखाएँ ऑल वर्ल्ड, इंडिया की दुआ छोड़ो, इतना बड़ा संगठन है, उसको सुन के हम लोग उसमें हैं, बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं। और इनके द्वारा, इस संघ के द्वारा के बहुत बड़े नेक काम भी हो रहे हैं, कोई फुटबॉल की ट्रेनिंग है, स्पोर्ट का है, और भी नौकरियां हैं। ये लोग तो समाज सेवा के लिए ही है, इनको कोई भी आता है इनकी इधर से खाली नहीं जाता है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, इसे हर आदमी को जुड़ना चाहिए। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। बड़े भाई को मैं, मेरे बड़े भाई है या छोटे भाई है, हम लोग साथ में रहते हैं, इनकी हमारी दुआएं हमेशा इनके साथ रहती है। अल्लाह शुक्रगुजार देना चाहेंगे आज ओपनिंग हो गया ऑफिस का। नहीं, हम ये कि जिस मकसद से बनाया गया है, जो इसमें दिल की इनकी आरजू है, अल्लाह पूरा करे, और नेक मकसद भी बनाया होगा, इनकी जायज़ तमन्ना अल्लाह पूरा करे, मेरे एक इनकी जायज़ तमन्ना है, अल्लाह हर तमन्ना पूरा करे। इनके बच्चे हैं, उन लोग बुलंदियों को छुए, जिस मकसद से आप मीडिया के लोग आए हैं इनके ऊपर हमेशा मेहरबान रहे, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा। मैं आज जो ये न्यूज़ चैनल की ओपनिंग हुई है, मैं सलामत भाई और जितने भी और उनके दोस्त हैं और उनके जो इतने भी एडिटर इन चीफ़ हैं और जो भी उनका स्टाफ है, सबको मुबारकबाद दूंगा और उन्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं खालिद बाबू कुरैशी और मेरी पूरी टीम हमेशा उनके साथ खड़ी है। जो भी उनको हेल्प, मदद, कभी भी असिस्टेंट चाहिए तो हम उनके साथ हैं। मुंबई हलचल को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और सेम चीज़ उनके लिए भी कहूँगा कि वो मुंबई हलचल तो पहले से बहुत कामयाब हैं, दिलशाद भाई बहुत अच्छे से लेके चलते हैं न्यूज़पेपर, और अगर ये चैनल उन्होंने शुरू किया है तो मेरे और मेरे ग्रुप की तरफ से पूरी उनको मुबारकबाद और पूरी उनकी सेल्फ असिस्टेंस होती रहेगी। थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ दिलशाद भाई को। आई गॉड विश हिम हैप्पी बर्थडे एंड मे गॉड ब्लेस हिम ऑलवेज। और जो वो चाहते हैं अल्लाह ताला भगवान की हर एक ख्वाहिश को पूरा करें। और आज मुंबई हलचल का नया ऑफिस खुला है तो इसके लिए भी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और मुंबई हलचल की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारा शो न्यूज़ की भी ओपनिंग हुई है और सलामत भाई आपने मुझे इन्वाइट किया है, कमाल का जर्नलिस्ट है आप और कमाल का चैनल है अपना समय राष्ट्रीय, तो आप दोनों को मुंबई हलचल और समय राष्ट्रीय चैनल्स को बहुत 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 मुबारकबाद। एंड आप ऐसे अच्छा काम करते रहिए और हमें प्राउड भी करवाते रहिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज जो इतने बड़े ऑफिस की जो उद्घाटन हुआ है मुस्लिम सेवा संघ का और राष्ट्रीय अपने क्या न्यूज़ चैनल, समय न्यूज़ चैनल जो है आपका, उसके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूंगा कि दिलशाद भाई जैसे सबको प्यार करते हैं और सबको अपने दिल में रखते हैं, और उस्मान खान साहब मैं चाहता हूँ कि बस ये प्यार हम लोगों में बना रहे, अल्लाह ताला इनको और कामयाब दे। भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मुंबई में मतलब जैसे अंधेरी में खास करके हम लोखंड वाला एरिया में कहा जाता है हम लोगों को, और मुंबई हलचल और राष्ट्रीय जो समय करके जो न्यूज़ चैनल शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग जो लोखंडवाला में रहते हैं, ओशीवरा में जो रहते हैं, उसके अलावा मुंबई में भी जो जो कुछ होता है, ये टाइटल इतना अच्छा है मुंबई हलचल और राष्ट्रीय
न्यूज़ चैनल के समय के हिसाब से जो भी आएगा, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें होगी और हम लोगों की जो भी दुख तकलीफें हैं शायद वो आगे तक आप सरकार तक पहुंचाओगे या एक दूसरे की हेल्प हम लोगों को मिलेगी इनसे। हकीकत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली मरतबा, मतलब ये मुंबई का मैं कई काफ़ी फंक्शनों में गया हूँ, मगर एक न्यूज़ चैनल का एक मुस्लिम सेवा संघ का इतना बड़ा ऑफिस मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। क्योंकि छोटे से इंसान शुरू करता है, मैं दिलशाद भाई ने और इनके साथ में जो भी सलामत भाई वगैरह जो भी इनके साथ मिले हुए हैं सभी ने बहुत ही हिम्मत करके इतना बड़ा ये ऑफिस यूज़ ऑफिस खोला है, तो मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि बस जिस तरीके से ये इतना बड़ा आलीशान लग रहा है वैसे ही इनका कारोबार भी